दर्शकों, मैं हूं प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। जम्मू कश्मीर के सोपिया में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में गुरुवार देर रात से सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बद्रहमा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। अमित शाह को कपिल सिब्बल ने दी चुनौती, हिम्मत है तो गोडसे को आतंकी कहिए। कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को आतंकी घोषित करने के लिए सरकार की ओर से क्या पैमाना तैयार किया गया है। अगर वह हाफिज साईद है तो वह आतंकी है, लेकिन नथुराम गोडसे है तो क्या वह आतंकी नहीं है। भारत नहीं रहा दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी, अब लुढ़कर इस नंबर पर पहुंचा। भारत के सिर से दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का नाम छीना गया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत सातवें पायदान पर पहुंच गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के साल 2018 में सुस्त रहने की वजह से भारत को अब बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था में भारत के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।